नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्ती की पल पल की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों चाहे समाचार पत्र हो या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, पूरी जानकारी आपको सही एवं सटीक मिलती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना। आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर रहे थे कि सर टीजीटी का और पीजीटी के बसे हुए बिचियों का रिजल्ट दोस्तों कब आ रहा है, तो मैं आपको लगातार बता रहा था दोस्तों कि आपका टीजीटी का जो रिजल्ट है वो जल्द ही आएगा, 10 तारीख के बाद आएगा, और पीजीटी का जो विषय का रिजल्ट दोस्तों इसी आपको सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। तो समाचार पत्रों के माध्यम से आइए दोस्तों क्या लिखा है हम देखते हैं। टीजीटी 2021 के परिणाम जल्द जारी होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एवं चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी 2021 के 12 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनका साक्षात्कार आज से शुरू हो रहा है, जबकि करीब 11 विषयों के लिखित परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह जारी होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पीजीटी के शेष विषयों का रिजल्ट है इसी सप्ताह दोस्तों जारी होगा। और यहाँ पर आगे दिया है, संभावना है कि परिणाम घोषित होने के बाद इस 10 दिनों के बाद चयन बोर्ड साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर देगा, और साथ ही टीजीटी 2021 के अंतिम परिणाम भी जल्द घोषित होंगे। चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती प्रक्रिया 21 अक्टूबर तक पूरी करनी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के साक्षात्कार माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी की प्रवक्ता भर्ती के लिए साक्षात्कार 5 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। इंटरव्यू 12 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम सफल होने घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों को शामिल होना है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, कला, तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान एवं संगीत वादन के साक्षात्कार 5 से 14 अक्टूबर और संस्कृत रसायन विज्ञान के इंटरव्यू 16 से 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवील किशोर के अनुसार साक्षात्कार तिथि एवं समय किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आपका पीजीटी का जो शेष विषयों का रिजल्ट है वो इसी सप्ताह आएगा, और टीजीटी का रिजल्ट दोस्तों आपको 10 अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेगा। मैं डेली बता रहा हूँ दोस्तों, और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कभी कोई गलत जानकारी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों मैं ऑथेंटिक एवं सही जानकारी देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगली खबर एमटीएस भर्ती से आ रही है। एमटीएस भर्ती 2020 10 केंद्रों पर 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। एसएससी देशभर में 40,33,121 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सर्वाधिक अभ्यर्थी मध्य प्रदेश से शामिल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एमटीएस की जो परीक्षा शामिल हो रही है उसको पेपर माध्यम से दिखाया गया है। तो ये जानकारियाँ थी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।